नमस्कार, अभी मौजूद हैं हम पोस्ट ऑफिस चौराहे पे। अभी आज चुनावों की गिनती हो रही है, गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसे ही इस मौके का फायदा उठाकर चोर भी अपनी कमाई का दोगुना रफ्तार बढ़ाए हुए हैं। सासाराम का पोस्ट ऑफिस चौराहा है, थोड़ा कैमरा उस पर जूम करिए, थोड़ा कैमरा को जूम करके दिखाइए। यहाँ पर पुलिस चौकी भी बनाया गया है, पुलिस सहायता केंद्र है, तमाम पुलिस बल की मौजूदगी रहती है, ये चौराहे पे भी रहती है। आप गाड़ी को इस पार से उस पार करेंगे तो पुलिस पिछवाड़े पे बेंत बजाती है, लेकिन यही चंद मिनटों में कार का शीशा टूट जाता है और लाखों रुपए का घोटाला चोरों के द्वारा कर दिया जाता है। अभी हमारे साथ कार चालक भी मौजूद है। सबसे पहले तो हम इनका पूछ लेते हैं क्या कैसे हुआ, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम मोरसराय का रहने वाले हैं। कैसे कैसे घटना हुआ ये? यहाँ हम यहाँ पोस्ट ऑफिस मोड़, जस्ट ये जो बनाया गया है ट्रैफिक का आवास निवास जो भी कहें जी, यही जस्ट सामने में मेरी कार खड़ी थी। हाँ। जो कि कार नंबर ये दिखाइए, UP 65EZ 5651। ठीक है। इस गाड़ी में मेरा 2 लाख रुपए नगदी, ठीक है, और कुछ गाड़ी का ओरिजिनल कागजात रखा हुआ था, जिसमें मैंने 2 मिनट के लिए गाड़ी से उतर करके अड्डा रोड में एक कपड़ा दुकान पर कपड़ा लेने गया। चोरी हो जाती है और कैसे कार में से, चार फोर व्हीलर में से चोर उचक के गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और उसके बाद सामान और पैसा लेकर रफ चक्कर हो जाते हैं। जहां पर इस घटना को देखा गया वहां पे सासाराम नगर निगम का कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि उस कैमरे से कुछ भी नहीं पता चल रहा है और वो कैमरा बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन पे भी ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है।